राम भक्तों को राम राम। आप सभी ने गीता प्रेस का नाम तो सुना ही होगा। हमारे सेठ जी श्री जय दयाल जी गोइंदका ने ही गीता प्रेस की स्थापना की थी। गीता प्रेस को भगवान का ही प्रेस कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे ज्यादा हिंदू धार्मिक पुस्तकें छापने वाली प्रेस है। इसके द्वारा बहुत ही कम मूल्य में यानी सस्ती धार्मिक पुस्तकें घर घर उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि भगवान के प्रति सभी के हृदय में प्रेम बना रहे। आज आपको बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में बनने वाले मूर्तियों के लिए जैसे महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वशिष्ठ जी, जटायु जी, तुलसीदास जी, निषाद राज, विश्वामित्र जी, माता शबरी आदि के लिए गीता प्रेस से चित्र लिए गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि गीता प्रेस के चित्र प्रामाणिक हैं। गीता प्रेस को इस बात की बहुत खुशी हुई कि भगवान ने शायद इसी कार्य के लिए 1955 में यानी 1955 में ही इस लीला चित्र मंदिर को बनवा दिया था। गीता प्रेस की चित्रावली स्वयं हमारे भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार अपनी देखरेख में करवाते थे और हमने उनके पुस्तकों में पढ़ा है कि समय समय पर आकर ये सभी ऋषि मुनि उनको दर्शन देते थे। चित्रकारों को चित्रों में आयुध, वस्त्र व अन्य चीजें शास्त्रों के अनुसार ही कल्याण अंक के लिए तैयार करवाए जाते थे। जो चित्र ट्रस्ट को दिए गए हैं उनके मूल में भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ही हैं। आज जब राम मंदिर बनने का सपना साकार हो रहा है, तब गीता प्रेस के द्वारा उद्घाटन में आने वाले सभी अतिथियों को उपहार देने के लिए 10,000 धार्मिक पुस्तकें छापी जा रही हैं। हिंदू संस्कृति को जागृत रखने में और संत महापुरुषों की वाणी को जीवित रखने में गीता प्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। हम सब गीता प्रेस के बहुत बहुत आभारी हैं। जय श्री राम, जय गीता प्रेस, नारायण 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 नारायण।